इज ब्लाइंड प्रिपेयर्ड इनफ टू फेस द ग्लोबल टीम. चलो एक क्वेश्चन आया, दे दो जवाब. बट ये गेम देखिए, नॉट एज ऑफ नाउ, दे नीड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस इन द इंटरनेशनल लॉबी. जब तक तुम वो लॉबी नहीं खेलोगे, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. देखो ये हम पहले से बोलते आ रहे हैं, हम बोले तो जहर है, क्रांति भाई बोले तो शहद है. क्रांति भाई क्योंकि अपनी और. हाँ बोलो बोलो. हाँ, बहुत सारा डिफरेंस आता है यार. मतलब एक एस्पेक्ट वो देखो कि यहाँ का प्ले स्टाइल अलग है, वहाँ का प्ले स्टाइल अलग है, नंबर वन. नंबर टू, यहाँ के प्लेयर्स का लेवल अलग है और वहाँ के प्लेयर्स का लेवल अलग है. हम लोग के पास 2 साल का गैप पड़ा है, एक पहले बैन में, एक दूसरे बैन में, जहाँ उनकी करेक्ट. कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हुई है, राइट. तो वो डेफिनेटली हम लोगों से 2 कदम आगे चल रहे हैं. हम लोगों को वो इंटरनेशनल लॉबी में कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होगा कि हम लोग उस लेवल पे कम्पीट कर पाए. उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है. आई थिंक डेफिनेटली ब्रो, हमको मतलब वो ये भी स्टार्टिंग में वही बोल रहा था ना मैं कि भाई अपने को वो भी तो चाहिए, क्या बोलते हैं, वी हैव टू बी लाइक, अगर पीएमजीसीज में बुला रहे हो, लीग स्टेज जैसे खिलाओ, एटलीस्ट तब तक कंडीशन तो हो पाए. ऐसे फाइनल्स हाँ में हाँ बुला के 3 दिन खिला रहे हैं, फिर वही मतलब बीटी होना ही परफॉर्मेंस है. नहीं आता है, फिर हाँ पब्लिक फिर गाली देती है. पब्लिक गाली देते, हाँ प्लेयर्स और डिमोटिवेट होते हैं, और ये एक तो सर्कल जैसा चल रहा है.